भी कुछ होते हैं कुछ सीख लेता है बंदा लेकिन काफी में मोदी है ना एक तो आप कभी गौर कीजिएगा वो कहीं पे भी जाता है वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है वन थिंग वो अपनी लैंग्वेज प्रमोट कर रहा है हम क्या कर रहे हैं हमें इंग्लिश में बात करनी है वो हमें आती नहीं है इसलिए हमें वो रिटर्न में चाहिए लीडर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है वो बात करता है तो उसके वर्ड्स उसके अपने होते हैं नरेंद्र मोदी को देखें तो जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया इस समिट में और जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया मतलब अच्छा लगता है देख ये चीज़ें हम भी देखना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए अब आप खुद फैसला कर लें कितनी अहमियत और कितना मुकाम दिया गया हमारे वज़ी अजम साहब दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग जिसको वेस्टर्न मीडिया बड़ा उछाल रहा है कि सदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी जो मुलाकात हुई सदर पुटिन के साथ उसमें ये कहा कि ये जो दौर है या जमाना है ये जंगों का नहीं है जैसे बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो तो इस तरह की हरकत कर रहा हो अब वो कह रहा हो कि जी अब इधर लेना है ये लेना है वो लेना है तो दोस्तों आपने छोटा सा क्लिप देखा यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने में अपनी मातृभाषा हिंदी में अपना भाषण दिया और हिंदी में ही वो बात करते रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है आपको पता है आजकल ट्रांसलेटर डिवाइस रहती हैं ट्रांसलेटर साथ में रहते हैं आपको जिस भाषा में कंफर्टेबल रहें आप उसी भाषा में करें आपने देखा होगा अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो प्रेसिडेंट पुतिन भी अपनी रशियन भाषा में ही बात करते हैं तो आप समझ जाएँ कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं बात यहाँ पर वीडियो में कुछ बातें पाकिस्तान के पी के बारे में भी हो रही हैं उनको लेकर भी करेंगे कि उनसे थोड़ी सी गलती हो गई थी तो उस

इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट पे बात की फूड सिक्योरिटी की बात की और कनेक्टिविटी की बात की मुझे ये बताएं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पॉइंट्स रखे आप उनसे किस हद तक सहमत हैं मतलब उन्होंने वो बातें की हैं जो किसी और मुल्क के जो है सदर ने नहीं की देखें विद बाइसनेस एक अलग चीज़ है कि मैं पाकिस्तानी हूँ वो इंडियन है तो मैं उसको नीचे डिग्रेड करना शुरू कर दूँ लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूँ तो उसने सारी चीज़ें अपने मुल्क के लिए अपनी इकॉनमी के लिए अपनी डेवलपमेंट के लिए बातें की हैं उसने बात की है फ़ूड की बात की है उसने रोज़गार की बात की इन चीज़ों की, की है हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया आप कम से कम सारी चीज़ों को साइड पर रख के यही सीख लें यही सुन लें समझ लें कि यार वो लोग अपने लोगों के लिए अपने मुल्क के लिए कितने अच्छे हैं लड़ाई बाद की बात है जब तक हम अपने अंदर की लड़ाई नहीं खत्म कर पाएंगे हम बाहर की लड़ाई से क्या जीतेंगे जब बहसीत है वन नेशन हम कुछ नहीं है हम वन नेशन ही नहीं है हम जब बात करते हैं तो हम पंजाबी की बात करते हैं पठान की बात करते हैं बलोची की बात हम कभी पाकिस्तानी की बात ही नहीं करते अच्छा अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो उनके तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम हैं जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ ताल्लुक जो हैं वो बहुत बेहतर हैं जब उनकी वन टू वन मीटिंग होती है तो नरेंद्र मोदी को उनके तरक्याती काम पर जो है वो उनकी हौसला अफजाई की जाती है उनकी तारीफ की जाती है उन्हें मजीद मोटिवेट किया जाता है उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है और उन्हें उनके मुल्क में आने की दावत भी दी जाती है उसके बरक्स अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी जो है वो हमें दबी दबी दिखाई देती है वो उस तरह से

जब आप किसी की दीवी वन एक सिंपल सी बात है मैं जब किसी की सेंग को आगे बोलूँगा ना तो उसमें मैं फंबल भी करूँगा मैं चेंज भी लाऊँगा और वो गलत भी होगी जब मैं अपनी बात ख़ुद करूँगा तो मुझे समझ में आएगा सो लीडर वही होता है या एक आप कह लें कि मैंटोर वही होता है जो बात करना जानता है इन्फ्लुएंस करना जानता है तो आई थिंक इन चीज़ों को साइड पे रखते हुए कि वो इंडियन है और ये वो मेरा ख्याल है उसने अपनी के लिए बहुत सब कुछ किया हम सारी जिंदगी देते रहे और अभी भी हम उसी पॉइंट पे फंसे हुए हैं और अभी भी हम सिर्फ कश्मीर की ही बात कर रहे हैं अब हम बाईस करोड़ अवाम मिलकर जब एक बंदे को इलेक्ट करती है तो इसलिए जो समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ी आजम शे बाशरीफ साहब कर रहे हैं अली के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं फोटेज आई हैं सच पूछें दिल खून के आंसू हो रहे ये हैं हमारे लीडर ये हैं हमारे नुमाइंदे जिनकी बॉडी लैंग्वेज देख कर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबी दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए आलमी सतह पर जग हसाई हो रही है इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता पाकिस्तान पर तनकीद जब भी करनी होती है वो वगे आगे होते हैं वो हमारे वज़ी अजम की वीडियो शेयर कर रहे हैं ट्यूटन से मुलाकात के दौरान वजी अजम से साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी जरा देखिएगा हाथ दे मतलब क्यों हाथ पाँव फूल जाते हैं हाथ में टिश्यू था या पेपर ये तो मैं नहीं जान तो मैं नहीं जानती लेकिन मुझे तो ये वैसे पेपर ही लग रहा था जैसे कोई नोट्स लिए हों अब आपने माजी में भी देखा होगा शबाशिफ साहब के जो बड़े भाई साहब यानी नवाज शिफ साहब को आप देख चुके हैं जो ऐसे नोट्स लेकर सामने बैठे अमरीकी सदर बराक ओबामा का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए अच्छा इस पर भी पाकिस्तान की खासी आपको याद होगा जगसाई हुई थी अब लग कैसा रहा कि शिबा साहब भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इस पर सोने पर सुहागा है कि मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि चार साल बाद आलमी रहन की तवज्जो हासिल हो सकी है अब इस तस्वीर की हकीकत भी देख लें रूसी सदर प्यूटन और तैयबवान समेत दीगर रहन को उजबेकिस्तान की सौगात पेश की गई हमारे वजीर अजम साहब को भी मौका दिया गया कि जनाब आगे आ हैं मतलब वो पीछे कहीं थे तो उन्हें उन्हें भी मौका दे दिया गया कि भी आप भी आएँ और ले लें जिसको मुस्लिम लीग नून तवज्जो करार दे रही है अब आप ख़ुद फैसला कर लें कितनी अहमियत और कितना मुक़ाम दिया गया हमारे वज़ीर आज़म साहब को अच्छा इससे पहले भी अको मतहदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बाज़ू खींचते हाथ पकड़ते दिखाई दिए जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो तो इस तरह की हरकत कर रहा हो अब वो कह रहे हो जी अब इधर लेना है ये लेना है वो लेना है चलें, चलें, कहाँ देखें, देखें। भी कुछ होते हैं कुछ सीख लेता है बंदा अच्छा खारजी मामला में घबराहट अदम एतम का शिकार वजीर अजम शबाश साहब को अंदरूनी जो मामला हैं उनमें भी परेशानी और मुश्किल का सामना है और हुकूमत की अम इतिहादी ने शाहबाजशरीफ की इस तरह के सवाल किए जरा देखिएगा अच्छा अहम तरीन इतिहादी की जानब से जा जारिहाना सवाल की बुछाड़ ने खतरे की घंटी जरूर बजा दी रजीम चेंज ऑफ टीम चेंज ऑपरेशन तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने देखा होगा सोशल मीडिया में उनके जन्मदिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विशेज आ रही थी हर कोई उनको विश कर रहा था और उम्मीद करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी तरीके से भारत की सेवा करते रहेंगे और देखते हैं अब आगे क्या होता है भारत तो अभी जिस रफ्तार से पकड़े हुए इसका रिजल्ट तो आपको पता है कि इतना जल्दी तो मिलेगा नहीं जैसे कि आज जो चीज़ प्लांट लगता है जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा चिप्स या सेमी कंडक्टर की ये प्लांट लगते हैं इनमें टाइम लगेगा फिर इनसे जो हमें फ़ायदा होगा जो जॉब्स क्रिएट होंगी तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा एस SU सी में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ना पाकिस्तान के पी से मुलाकात की ना रशियन प्रेसिडेंट जिंगपिंग से मुलाकात की तो ये थोड़ा सा पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेकर भी चर्चा रही और साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है शाहबाज शरीफ को लेकर शाहवाज शरीफ का एक वीडियो आया जिसमें वो शायद ट्रांसलेटर डिवाइस अपने कान में फंसा रहे थे फिट कर रहे थे जिसको वो तरीके से फिट नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने बोला कैन सम वन हेल्प मी थोड़ी देर बाद करने के बाद इस इस टाइम इस पर पुतिन थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे पुतिन पुतिन आप देखते होंगे थोड़ा सा हसमुख टाइप उनका चेहरा है अगर वो किसी के सामने बैठे तो ऐसा रिएक्शन दे दें तो मुझे लगा कि यार कोई दिक्कत नहीं सवा सिर्फ ओल्ड जनरेशन ओल्ड स्कूल के हैं तो उनको ये जो टेक्निकली चैलेंज हो सकते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है मतलब अगर वो इसके यूज्ड टू नहीं है तो ऑब्वियसली ये कोई बुराई नहीं है तो इसको लेकर ओवर रिएक्शन दिया पाकिस्तानी मीडिया ने और इसको इसका मजाक भारत के लोगों ने भी उड़ाया भारतीय मीडिया ने भी दिया मुझे वो थोड़ा सा सेंसिबल नहीं लगा हालांकि ये हो सकता है कि आप उनके थोड़ा सा जैसे कि उनके पॉइचर उनके जेस्चर को देख लगे कि भाई ये प्रेसिडेंट पुतिन के सामने पहली बार बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं वो चीज़ जज करना अलग है लेकिन ये डिवाइस वाला मुझे कुछ सीन समझ में नहीं आया ठीक है आपके क्या कॉमेंट है इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें जय हिंद